समीर दाऊद वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, हमने लगातार लगभग 55-56 दिन से उनके फर्जीवाड़े को लोगों के सामने लाने का काम किया। आर्यन की गिरफ्तारी प्री प्लान्ड थी, उगाही के लिए उन्हें पकड़ा गया, 25 करोड़ की डील को 18 करोड़ में तय किया गया और सेल्फी के कारण वो डील बिगड़ गई और उसे फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके पैदाइशी दाखिले से लेकर स्कूल के कागजात, शराब खाने का लाइसेंस, उनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे फिर भी माइनर को लाइसेंस दिलाने का काम किया, स्वयं एक IRS ऑफिसर रहते हुए शराब खाने का कंडक्टिंग लाइसेंस होते हुए वो भी सच्चाई उन्होंने छुपाई, अभी तक ये चीज़ें हमने सामने लाई थी और आज एक नई जानकारी लोगों के सामने हम ला रहे हैं कि ज्ञानदेव उर्फ दाऊद वानखेड़े, उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ 16 अप्रैल 2015 में, उससे पहले जिस तरह से हाईकोर्ट में डिफेमेशन का केस डाला, उसमें उन्होंने एक अपनी लेट पत्नी का एफिडेविट दिया है जो 6 फरवरी 2002 को बना था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। वो एफिडेविट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि देश में, महाराष्ट्र में, धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई एक एफिडेविट ही ये कोई दस्तावेज नहीं होता। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसका गजट करवाना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि फला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, संज्ञान जो एडल्ट हो, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो गजट करके उसकी सूचना लोगों तक दी जाती है। इस केस में इस तरह का कोई मामला उन्होंने सामने या प्रूफ नहीं लाया है। पूरा परिवार दोहरी पहचान बनाए रखा, पिताजी का दोहरा पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से उनकी पहचान बनी रही, जिस तरह से एफिडेविट ला रहे हैं माँ का भी दोहरा पहचान उन्होंने बना कर रखा, बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़ी की भी डुअल आइडेंटिटी बना के रखकर उन्होंने पूरे लोगों को धोखा देने का काम किया, फर्जीवाड़ा रचने का काम किया। जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागज में हेरा फेरी करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी नौकरी हासिल की, एडमिशन में लाभ लिया और हद ये हो गई कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद कोकिला बहन अस्पताल में उनका देहांत हुआ था, कॉज ऑफ डेथ का कागज लेकर महानगर पालिका के जो ओशीवरा में शमशान भूमि है जहां पर DRK इश्यू होता है अंतिम संस्कार के लिए, वहां पे 16 अप्रैल 2015 को एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम करके सर्टिफिकेट इशू हुआ। वो सर्टिफिकेट लेकर ओशीवरा वेलफेयर मुस्लिम कब्रस्तान जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से किया गया। स्वयं समीर वानखेड़े ये कहते रहे हैं कि मैं अपनी माँ के कब्र पे जाता हूँ तो मेरी लोग पीछा करने का काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक दिन बाद 16 अप्रैल 2015 को फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया जो हिंदू लिख कर डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। ये दोहरी पहचान का और एक मामला सामने आया है, फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जीते जी तो लोगों ने फर्जीवाड़ा किया लेकिन एक महिला के देहांत के बाद भी
उन्होंने फर्जीवाड़ा छोड़ा नहीं, अंतिम संस्कार के लिए एक अलग सर्टिफिकेट बनवाया और सरकारी रिकॉर्ड पर चीज़ें सामने रखने के लिए दूसरा सर्टिफिकेट बनाया ताकि उनकी संपत्ति मिले। नौकरी शेड्यूल कास्ट की हिंदू बनकर ली थी, वहाँ पे कागजात दाखिल करना है तो वो दाखिल करना पड़े। इनके फर्जीवाड़े का और एक सबूत हमने लोगों के सामने रखा है। निश्चित रूप से आज कोर्ट में जिस तरह से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के खिलाफ वो डबल बेंच में गए, हमारे भी वकील वहाँ हैं, सारी बातें सामने रखेंगे और न्यायालय में वो मामला चल रहा है। दूसरी एक बात आज बहुत महत्व की सामने आई है कि वहाँ मुंबई शहर के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, जो मुंबई के कमिश्नर थे, बाद में उनका तबादला होमगार्ड में कर दिया गया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक आरोप लगाया कि 100 करोड़ की उगाही का उन्हें टारगेट दिया गया था, जो कि मामला अदालतों में है। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया, वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमवीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने, कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए, फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने, ईडी ने मामले में उलझा कर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी, वे निर्दोष हैं, हम साबित करेंगे। लेकिन जिस कमिश्नर के आरोप पर ये कार्रवाई शुरू हुई, वे स्वयं मई महीने से फरार हो गए। पुलिस लगातार उन्हें खोज रही थी, संबंध चांदीवाल कमीशन से जारी हो रहा था, पुलिस की तरफ से जारी हो रहा था। 5 मामले उन पे दर्ज हुए, एक मामला गोरेगांव में उगाही का, दूसरा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाही का, कोपरी में थाने में, थाने नगर पुलिस स्टेशन, बाजारपेट पुलिस स्टेशन, 4 उगाही के मामले उन पे दर्ज हुए हैं। एक अपने जूनियर को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ है और ये सारे मामले होने के बावजूद वो देश में कहीं छुपे हुए थे, वो उन्हें ही पता है। आज वे आ रहे हैं पुलिस के सामने, लेकिन वे कब आए? जब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने का काम किया, उनकी संपत्ति क्रुक करने तक मामला पहुंच गया। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कहने लगे कि मेरी जान को मुंबई पुलिस से खतरा है, कोई कमिश्नर को जो उसका अगुआ रह चुका हो, उसे उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गुनहगार होगा तो गिरफ्तारी होगी, अगर कोई कानूनी अड़चन है तो निश्चित रूप से सरकार उसे दूर करने का काम करेगी। जिस तरह से कमिश्नर रहते हुए, थाने के कमिश्नर रहते हुए उन्होंने उगाही का मामला किया, मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई शुरू हुई है, न्यायालयीन लड़ाई है, वो भी सरकार लड़ेगी, लेकिन भगोड़ा घोषित करने से पहले वे नहीं सामने आए, ये सच्चाई है, आज सामने आए हैं। निश्चित रूप से पुलिस न्यायालयीन लड़ाई जो होगी वो भी लड़ेगी और उन्होंने जो काली करतूतें की हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल एक और फैसला कैबिनेट ने लिया केंद्र की सरकार के, जिसमें 3 कृषि कानूनों को रिपील करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। साथ ही साथ एक और निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो कोविड के समय से इस देश में शुरू हुई, उसकी मुद्दत मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला केंद्र की सरकार ने लिया है। निश्चित रूप से जो भी फैसले सरकार ले रही है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्साइज कम करने का फैसला हो, चाहे 3 कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला हो,
चाहे मुफ्त में राशन मार्च के आखिर तक बांटने का हो, आप लोगों को पता है कि फरवरी मार्च में देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की हार के डर से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर इन सारे राज्यों में हार रही है और हार को बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन हार उनकी निश्चित है। आपल्याला 6 ऑक्टोबर पासून NCB चे अधिकारी समीर दाऊद वानखेडे यांच्या फर्जीवाडा उघड करण्याचा काम आम्ही सुरू केला होता। गेल्या 50 दिवसात ज्या पद्धतीने आर्यन खानला किडनॅप करण्यात आला, 25 करोडची डील 18 कोटीमध्ये झाली, ते उघडकीस झाल्यानंतर या व्यक्तींनी यांच्या घरातल्या लोकांनी बरेचसे फर्जीवाडे केलेले आहे। जन्माच्या दाखल्यामध्ये फेरफार करण्यात आला, शाळेच्या दाखल्यामध्ये फेरफार करण्यात आला, बोगस सर्टिफिकेट घेऊन सरकारी नोकरी घेण्यात आली, अल्पवयीन असताना त्यांच्या वडिलांनी समीर वानखेडे यांच्या नावाने परमिट रूमचा लायसन घेतला, IRS अधिकारी असताना केंद्र सरकारकडे सगळी माहिती लपवण्यात आली, हे सगळी माहिती लोकांच्या समोर आणल्यानंतर आज पुन्हा एक माहिती लोकांच्या समोर आम्ही ठेवतोय। ज्ञानदेव उर्फ दाऊद वानखेडे यांनी त्यांच्या पत्नीचं निधन झाल्यानंतर त्या कोकिला बेन हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं निधन झाला होता, कॉज ऑफ डेथच्या सर्टिफिकेट घेऊन महानगरपालिकेकडून 16 एप्रिल 2015 साली अंतिम संस्कार करण्यासाठी DRK मुस्लिम महिला असा सर्टिफिकेट तयार करून ओशिवारा इथल्या ओशिवारा वेलफेअर मुस्लिम कब्रस्तानमध्ये त्यांचा अंतिम संस्कार करण्यात आला। स्वतः समीर दाऊद वानखेडे सांगत होते, माझी आई त्या दफनभूमीमध्ये दफन असताना त्यांना मी तिकडे कबरीवर जात असताना काही लोक माझा पाठलाग करताय। मग धक्कादायक असा आहे की एक दिवसानंतर 17 एप्रिल 2015 साली महानगरपालिकेच्या डेथ सर्टिफिकेट काढत असताना हिंदू या नावाने हे सर्टिफिकेट काढण्यात आला, म्हणजे हे परिवार मुस्लिम असताना ड्युएल आयडेंटिटी हे ठेवत होते, म्हणजे जीवन जगत असताना मुस्लिम आणि सरकारी लाभ घेण्यासाठी मागासवर्गीयांचा दाखला काढला होता, त्यासाठी सगळे रेकॉर्ड त्यांनी त्या पद्धतीचे तयार केले। फर्जीवाडा त्यांनी सुरुवातीपासून केलेला आहे। निश्चित रूपाने जात पडताळणी समितीकडे हा विषय इन्क्वायरी सुरू आहे। जे एक्साईज डिपार्टमेंट आहे तिकडे त्यांनी ज्या पद्धतीने ज्ञानदेव दाऊद वानखेडेंनी फर्जीवाडा करून परमिट काढला त्याच्यावर इन्क्वायरी त्या डिपार्टमेंटने सुरू केलेली आहे। SIT च्या माध्यमातून खंडणीचं प्रकरणाची इन्क्वायरी सुरू आहे। म्हणजे हे सगळी लोक त्यांच्या बहिणीचे सर्टिफिकेट असतील, स्वतः समीर वानखेडेचे सर्टिफिकेट असतील, आईच्या मृत्यूचा दाखला असेल, ज्ञानदेव दाऊद वानखेडे यांचे सगळे कारभार असेल, सर्व ठिकाणी यांनी फर्जीवाडा केलेला आहे हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागलेलं आहे। आज दोन्ही कागदपत्र आम्ही लोकांच्या समोर ठेवतो। ड्युएल आयडेंटिटी कुठल्या पद्धतीने हे ठेवत होते याच्यातून आता सगळं सत्य लोकांच्या समोर येऊ लागलेलं आहे। दुसरी एक घटना आहे की मुंबईचे पूर्व कमिशनर ज्यांची बदली होमगार्डमध्ये करण्यात आली होती, बदली झाल्यानंतर परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख साहेबांवर
खोटी तक्रार करून की 100 कोटी वसुलीचा टार्गेट देण्यात आला होता असा आरोप केला. आरोप केल्यानंतर अनिल देशमुख साहेबांनी राजीनामा दिला. चांदीवाल कमिशन गठित करण्यात आला या प्रकरणाच्या चौकशी करण्यासाठी. अंग मंग कोर्टात जाऊन सीबीआयकडे हे सगळं तपास दिलं पाहिजे. सीबीआयकडे गेलं, थडकाभडकी सीबीआयनी दिल्लीमध्ये गुन्हा दाखल करून घेतला. सीबीआय आणि ईडीच्या माध्यमातून देशमुख साहेबांना अटक करण्यात आली, पण अजून कुठलेही पुरावे कमिशनकडे किंवा कोर्टाकडे, वाजेकडून किंवा परमवीरकडून कुठलेही पुरावे सादर करते आले नाही. म्हणजे राजकीय हेतूने हे सगळा कारवाई झालेली आहे. निश्चित रूपाने देशमुख साहेब न्यायालयीन लढा लढणार आहे ते निर्दोष आहे आम्ही सिद्ध करू. पण परमवीर सिंग मे महिन्यापासून हे फरारी होते. पोलीस खात्याने त्यांना फरारी घोषित केल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टात त्यांनी दाद मागितला की माझ्या जीवाला धोका आहे, मला अटक होऊ शकते, आम्हाला वाटते जे मुंबईचे कमिशनर होते त्यांना जीवाला धोका वाटते, हे कोणीही स्वीकारणार नाही. निश्चित रूपाने त्यांच्यावर 5 गुन्हे दाखल आहे. गोरेगाव, मरीन ड्राईव्ह, कोपरी पोलीस स्टेशन, ठाणे, ठाणे नगर पोलीस स्टेशन, बाजारपेठ पोलीस स्टेशन, त्याच्यातले 4 गुन्हे हे खंडणीचे आहे. एक गुन्हा हे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना फसवण्याचं आहे, त्यांच्या ऐकत नसताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. म्हणजे जो पोलीस कमिशनरच्या पदावर होता आणि पदावर बसून खंडणी वसूल करत होता, लोकांसमोर आल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला, लपून राहिले, फरारी घोषित झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले आणि अटक करू नये असा आदेश त्यांनी मिळवलेला आहे. निश्चित रूपाने या देशाचे कायदे कुणालाही कुठलेही संरक्षण देत नाही. कायदेपेक्षा कोणी मोठा नाही. न्यायालयीन लढा असेल तर निश्चित रूपाने सरकार आणि पोलीस खात्यात ते त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जे काही शक्य होईल ते करतील. पण फरारी घोषित केल्यानंतर आज ते समोर आलेले. निश्चित रूपाने पोलीस कुणावर अन्याय करणार नाही, पण जे कोणीही गुन्हा केला असेल तर त्यांनाही पोलीस सोडणार नाही, सरकार सोडणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई होतील. आणि फरारी घोषित केल्याशिवाय ते समोर येत नव्हते, आता हे स्पष्ट झालेलं आहे. काल केंद्र सरकारने 2 निर्णय केलेले. मोदी साहेबांनी देशाला संबोधन करत असताना 3 कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती, आणि काल केंद्रीय कॅबिनेटने तो निर्णय पारित केलेला आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मुदत 2022 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलेल्या. पोटनिवडणुकीमध्ये पराभूत झाल्यानंतर अंदाज आलेला आहे की या 5 राज्यांमध्ये निवडणुकीत भाजप हे भूसपाट होणार आहे. उत्तर प्रदेश असतील, पंजाब असतील, उत्तराखंड असतील, गोवा असतील, मणिपूर असतील, या ठिकाणी भाजप जिंकू शकत नाही हे अहवाल आल्यानंतर या देशामध्ये डिझेल पेट्रोलची एक्साईज कमी करण्यात आल्या. कालपर्यंत शेतकरी आतंकवादी आहे, मूठभर शेतकऱ्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे, ते कायदे 3 मागे घेण्यात आले. आणि कोविडच्या काळामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली होती. बिहारच्या निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. नंतर बंगालच्या निवडणुकीसाठी, आता 5 राज्याच्या निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून हा मुदतवाढ, म्हणजे निवडणुका मार्च फरवरीमध्ये असताना मार्च 2022 पर्यंत हे सगळं मुदतवाढ देण्यात आलेलं आहे. कितीही असे निर्णय झाले, आता लोकांना कळून सुटलेलं आहे की हे सरकार
जन विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी आहे, त्यामुळे असे कितीही निर्णय झाले तर पाचही राज्यामध्ये भाजपचा पराजय निश्चित आहे आणि आता जनता त्यांना सोडणार नाही. थँक्यू. नवभाई, एसटीच्या संपात संदर्भात आता ज्या पद्धतीनं भाजपचे दोन भाजपचे समर्थक दोन आमदार संपामध्ये पुढे येताना सुरू होते, पण त्यांनी अचानक आता माघार घेतली आणि ते म्हटले की आता कामगारांनी त्यांच्या संपाच्या संदर्भात निर्णय घ्यावा. जवळपास 15 दिवस ते नेतृत्व करत होते. असं आहे की या देशामध्ये कुठलेही रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हे शासकीय मालकीचे नाही. उलट जिथे भाजपचे सरकार आहे त्या राज्यांमध्ये सरकारी गाडीचंच नाही आहे, प्रायव्हेट गाडी भाड्याने घेऊन ते सगळे चालवत आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे ज्याला लालपरी आपण म्हणतो एसटी, ती एसटी या राज्यातले ग्रामीण भागातल्या जनतेची एकमेव सवारी आहे. या राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत एक एक गावापर्यंत ही सेवा ही महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. निश्चित रूपाने एसटी महामंडळ तोट्यात असताना बरेच काळ वेळेवर पगार झालेला नाही, बोनस वेळेवर मिळत नव्हता, पण पहिल्या दिवसापासून सरकारी तिजोरीतून एसटी महामंडळाला मदत देण्याची भूमिका स्वीकारली. त्या उलट सरकारची भूमिका होती की पगार वेळेवर मिळाले पाहिजे, महागाई वाढत असताना कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजे. पण ज्या पद्धतीने भाजपची लोक म्हणजे या एसटी महामंडळाला सरकारमध्ये विलीन करा, यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा, गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवत होते. आणि जर हा निर्णय सरकारने केला असता तर या राज्यामध्ये विविध महानगरपालिका असतील, नगरपालिका असतील, महामंडळं असतील, ते सगळे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित करा, 7वा वेतन आयोग लागू करा, हे मागणी घेऊन पुढे आले असते. जे या राज्यामध्ये उत्पन्नाचे स्रोत आहे हे सगळं केल्यानंतर कर्ज काढून पण सरकार यांना पगार देऊ शकलं नसता, ही सत्य परिस्थिती आहे. म्हणजे महामंडळ व्यवस्थित चाललं पाहिजे, त्याच्यातून जास्त पगार दिला तर चांगला आहे, पण सरकारने पहिल्या दिवसापासून भूमिका घेतली की वेळेवर पगार मिळाले पाहिजे, पगार वाढ झालं पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळालं पाहिजे. पण भाजपचे नेते लोकांना दिशाभूल करून भडकवत होते. हळूहळू कामगार कामावर जे कर्मचारी आहेत ते रुजू झाले आणि काल सरकारच्या माध्यमातून ज्येष्ठेअनुसार पगारवाढची घोषणा झाली, वेळेवर पगार मिळतील ही घोषणा झाली, बोनस वेळेवर देण्याच्या घोषणा झाल्या आणि कामगार कामावर परतायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना आता कळून सुटलेलं आहे की आत्ता हे जे दिशाभूल करण्याचं काम होता ते आता पुढे चालणार नाही, त्यासाठी त्यांनी याच्यातून माघार घेतलेला आहे. आणि यांचा राजकीय डाव आता लोकांना कळून सुटलेला आहे. पण जे भाजपचे आमदार ज्यांना भाजपने पुढे केलं होता त्या लोकांना कळलं पाहिजे की या देशामध्ये प्रायव्हेट जे काही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर आहे, PSUs आहे, ते सगळं खाजगीकरण करण्याचं काम केंद्राचं सरकार करते. आम्ही कुठलेही महामंडळ हे खाजगीकरण करत नाही, लालपरी आमची आहे, याची एक ओळख आहे. या ग्रामीण जनतेसाठी कुठेतरी सेवा देणारी ही महामंडळ आहे, त्याला पुनर्जीवित करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे जे काही शक्य असेल निश्चित रूपाने सरकार करणार आहे. उलट मागच्या बजेटमध्ये सरकारने घोषणा केली होती की आम्ही नवीन गाड्या या एसटी महामंडळाला देऊ, म्हणजे सुधारणा करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे, चांगली सेवा देणं आमचं उद्दिष्ट आहे, कामगारांना न्याय मिळून देणं ही आमचे उद्दिष्ट आहे. आणि जे सगळं विकून काढण्याची धोरणं ज्याची आहे ते कामगारांची दिशाभूल करत होते, आता कामगारांना हळूहळू कळून सुटलेलं आहे, कामगार परतत आहे, त्यासाठी त्यांनी काढता पाय याच्यातून केला आहे. लास्ट पद जब हायकोर्टने हिअरिंग हुआ था
हाईकोर्ट ने दो तीन चीजों पर ध्यान दिया था। एक तो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो मुद्दे उपस्थित किए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था आपको कि आप वेरीफाई करके ट्वीट करें। और आज जब आपका ये ट्वीट आया तो कोर्ट में जब डबल बेंच जो सुनवाई चल रही है वहां पर बताया जा रहा है कि आप फिर से ट्वीट कर रहे हैं। ये हमने ट्वीट किया है, वेरीफाई करके किया है, जो भी कागजात हमने रखे ये महानगर पालिका के दफ्तर से अर्जी दे के हमने निकाले हैं, कब्रिस्तान से निकाले हैं, कोई फर्जी दस्तावेज हमने नहीं रखा। हमने सारे दस्तावेज ये सरकारी दफ्तर के हैं, वेरिफिकेशन करके किया जाए, ये जामदार साहब का आदेश था, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हमने रखे हैं। सांसद कोर्ट ने भी कहा था कि एनिमोसिटी की भावना है इसके तहत किया जा रहा है। नहीं देखिए, किसकी क्या भावना है, कोई कुछ भी कहे, अगर कोई अधिकारी सरकारी पद पे है, फर्जीवाड़ा करता है, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी सारी चीज़ों को जनता के सामने लाना ये हमारा मौलिक अधिकार है और उस अधिकारों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनके और बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो उन्हें डरा रही हैं। हमारी इन चीज़ों को सामने लाने के बाद SIT दो दो बन गई, एक NCB की SIT बनी जो उगाही के मामले की जांच कर रही है, कोर्ट के अंदर लोग चले गए, इनका फर्जी सर्टिफिकेट है नौकरी से हटाने के लिए, एक्साइज डिपार्टमेंट में जांच शुरू हो गई, महाराष्ट्र सरकार की SIT बन गई, इनके सर्टिफिकेट को लेके कंप्लेंट दो दो संस्थाओं ने किया है, उसके ऊपर जांच शुरू हो गई। अगर कोई फर्जी आदमी फर्जीवाड़ा करता है, अगर हम जैसे लोग सच्चाई सामने नहीं लाएंगे तो इस देश में लोग फर्जीवाड़ा करके शान से जिएंगे, हमें लगता है ये देश हित में नहीं। जो भी हमने किया है सच्चाई उजागर करने के लिए सारी चीज़ों पर जांच हो रही है और उसके परिणाम जल्द से जल्द आएंगे। सर, परमवीर सिंह पर इतने दिनों से लापता थे, आज अचानक मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है किसी भी तरह की कार्रवाई से, महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को कैसे अब आगे लेके? देखिए ऐसा है, उनको भगोड़ा घोषित करने के बाद वो नमूदार हो गए, वो प्रकट हो गए, सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रकट हुए, आज मुंबई पुलिस के पास जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई कार्रवाई ना हो, निश्चित रूप से सरकार रखेगी कि इनके ऊपर चार एक्सटॉर्शन के मामले हैं, एक अधिकारी पे झूठा मामला बनाने का मामला है। अगर कोई कोर्ट इस देश में ये नहीं कह सकता कि कोई अधिकारी हो, नागरिक हो, नेता हो, मंत्री हो, गुनहगार हो और उस पर कार्रवाई ना हो, जो भी चीज़ें हैं न्यायालय के सामने रखी जाएगी और हमें लगता है कोई न्यायालय गुनहगार को बचाने का काम नहीं करता। लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे 24